कूदे जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मचावो धमाल, काम पर ले थसरे टेंशन, अरे काम पर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कमेटी के यूट्यूब चैनल में लैंग्वेज मंत्र के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करती हूं। लास्ट वीडियो तक हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया था, आज हम उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो है हमारा इनडेक्लिनेबल वर्ड्स, यानी कि अव्यय या अविकारी शब्द। अब तक आपको मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि शब्द के आठ भेद होते हैं। ये आठ भेद कैसे होते हैं? चार प्रकार के होते हैं हमारे लिए आपके विकारी शब्द पद, और चार प्रकार के होते हैं आपके लिए अविकारी या अव्यय शब्द पद। और ये क्या होते हैं तो आप सभी को पता है कि किसी भी मौखिक भाषा को उच्चारण में जो सुनाई देती है उसे ध्वनि कहा जाता है, उसे आड़े तिरछे और खड़े और वक्र आकार दे दिया जाए तो उसे हम वर्ण कहते हैं। इसी वर्ण के संयोजन से शब्द का निर्माण होता है। ये शब्द जो रचना के आधार पर तीन प्रकार के रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इतिहास के आधार पर पांच प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, अर्थ के आधार पर दो प्रकार का सार्थक और निरर्थक, और चौथा है प्रयोग और रूपांतर के आधार पर। तो जहां पर प्रयोग और रूपांतर के आधार पर अगर ऐसे शब्द जिस पर वचन, लिंग, काल, कारक, रचना के अनुसार किसी भी प्रकार का विकार या रूपांतर उत्पन्न हो रहा हो उसे विकारी शब्द पद कहा जाता है, और ऐसे शब्द पर जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी विकार या रूपांतर उत्पन्न ना हो उसे अव्यय या अविकारी शब्द पद कहा जाता है। अब ये हमारे लिए अव्यय या अविकारी शब्द पद क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द पद जिस पर किसी भी प्रकार का विकार या रूपांतर उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शब्द को हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का खर्च नहीं होता इसलिए इसे अव्यय कहते हैं, विकार उत्पन्न नहीं होता इसलिए अविकारी शब्द पद कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय या अविकारी शब्द पद चार प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे लिए क्रिया विशेषण, ठीक है, एक होता है हमारे लिए संबंध बोधक, ठीक है, और एक होता है हमारे लिए आपका समुच्चय बोधक, यानी कि थर्ड वन होता है समुच्चय बोधक, और इस समुच्चय बोधक को आप संयोजक शब्द के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है, और चौथा होता है हमारे लिए आपका विस्मयादि बोधक, यानी कि हमारे जो चार प्रकार के अव्यय शब्द हैं उसमें हम क्या जानते हैं, क्रिया विशेषण एडवर्ब के नाम से जाना जाता है, संबंध बोधक को प्रीपोजिशन कहते हैं, समुच्चय बोधक को कंजक्शन वर्ड्स कहते हैं, और विस्मयादि बोधक को इंट्रोजक्शन कहते हैं। और इनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न क्यों नहीं होता? जैसे कि अगर कहता है मोहन सुबह के समय व्यायाम करता है, राधा सुबह के समय कक्षा जाती है, पिताजी सुबह के समय ही कार्यालय चले जाते हैं, मैं सुबह शाम प्रयास करता हूँ, तो इन सभी में सुबह शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहा है उसमें न तो वचन के अनुसार, न पुरुष के अनुसार, न कारक के अनुसार किसी प्रकार से कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, मोहन और सोहन कहें, राधा और गीता कहें, गाय और बकरी कहें, तो ऐसे शब्द जो कंजक्शन करने का काम कर रहा है उनमें भी वचन, लिंग, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उसे भी हम समुच्चय बोधक को एक अव्यय शब्द की श्रेणी में रखते हैं। वाह क्या चाय बनाई है, वाह कितना सुहाना मौसम है, उफ तुमने क्या कह दिया कहते हैं, तो यही विस्मयादि बोधक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। साथ ही संबंध बोधक कहता है वृक्ष के नीचे, राधा के पीछे, मोहन का घर कहते हैं, तो इसमें भी किसी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते, इसलिए ऐसे शब्द जो वचन, लिंग, काल और कारक रचना के अनुसार किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करते, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द पद कहते हैं। इन शब्दों में किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, इसलिए इसे अव्यय शब्द कहा जाता है।
तो चार प्रकार के विकारी शब्द थे, संज्ञा जो नाम है, बदले में सर्वनाम, संख्या बताई वचन ने, विशेषता बताया विशेषण ने, क्या करते हैं क्रिया, कब करते हैं काल में, करने वाले कौन स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यानी कि इनमें से संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण को हम विकारी शब्द कहेंगे और चार प्रकार के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक को हम अविकारी शब्द पद के नाम से जानते हैं और इस तरह आठ प्रकार का शब्द पद होता है जिसे आप पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ते हैं और इसी में से आज का लेक्चर वन होगा आपके अव्यय या अविकारी से, यानी कि अव्यय और अविकारी में जो चार टॉपिक है उसको दो लेक्चर में आपको मैं फिनिश करूंगी। तो आज है पहला पार्ट अव्यय का, ठीक है, पहला पार्ट अव्यय जिसमें आपके प्रश्न में क्या पूछा है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो कहलाते हैं, क्या वो क्रिया कहलाते हैं, क्या वो वचन कहलाते हैं, क्या वो अव्यय कहलाते हैं, क्या वो वाच्य कहलाते हैं। कुछ लेक्चर्स वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो जरूर आपको करवा रही हूँ, यानी कि इस हद तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, तो किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए तो क्रिया कहेंगे, संख्या का बोध कराएगा तो वचन कहलाएगा, क्रिया के विषय को बताने वाले को वाच्य कहते हैं, परंतु जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछता है, अहा, आप आ गए, वाक्य में अहा शब्द क्या है, क्या ये संज्ञा है, क्या ये सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है, ठीक है। ये यूपी की ईटी एग्जाम में पूछा गया पेपर था, तो यहाँ पर देखिए पूछा कि आहा शब्द क्या है, क्या ये संज्ञा है, नहीं, संज्ञा तो व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का नाम होता है, ठीक है। सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो ये ऐसा शब्द है जो एक अव्यय या अविकारी है क्योंकि इसका प्रयोग न तो वचन के अनुसार बदलता है, न लिंग के अनुसार और न ही कारक के अनुसार बदलता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कौन सा पद विकृत नहीं होता, संज्ञा अव्यय विशेषण या क्रिया, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न ने क्या पूछा था कि विकार उत्पन्न नहीं होता वो क्या कहलाता है, उसी को अलग से बदल के पूछा गया है कि कौन सा पद है जो विकृत नहीं होता, तो संज्ञा में तो विकार उत्पन्न हो जाता है, मोहन के बदले वह सर्वनामिक शब्द को इस्तेमाल कर लेता है, दूसरे विशेषण लिंग के अनुसार बदल जाते हैं, मोटा है तो मोटी हो जाता है, क्रिया भी लिंग के अनुसार पुरुष के अनुसार बदल जाती है, लेकिन जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय कहा जाता है, तो कौन सा पद विकृत नहीं होता, तो अव्यय शब्द विकृत नहीं होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द है, वर्तमान, नया तथा सुंदर, ठीक है, ये आपको बताना है कि इसमें अव्यय शब्द कौन है। अब देखिए अव्यय शब्द के अनुसार देखा जाए तो यहां हम देखते हैं कि वर्तमान कह रहा है, ठीक है, तो वर्तमान कह रहा है यह एक समय विशेष को बता रहा है, ठीक है, उसी प्रकार नया कह रहा है यह उसके रूप आकृति को बता रहा है, सुंदर कह रहा है तो विशेषण बता रहा है, लेकिन इसमें अगर हम तथा की बात करें, यह तथा जो एक संयोजक शब्द है, कंजक्शन वर्ड से है, दो शब्द पदों को, दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए वर्तमान, नया, सुंदर ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे लिए आपके समय को बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन अव्यय के तौर पर तथा है जो आपका एक अविकारी शब्द है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए, क्या ये उपसर्ग है, क्या ये अव्यय है, क्या ये सर्वनाम है, क्या ये कारक है। अब कह रहा है प्रतिदिन, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे लिए अगर हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्रिया विशेषण कह रहे हैं तो ये हमारा जो क्रिया विशेषण है, ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे कही जाती है क्रिया, शब्द की जिस रूप से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कही जाती है और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के आधार पर, अगर हम अर्थ के आधार पर देखें तो हमारे पास समय सूचक यानी कि इसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, दूसरा होता है स्थानवाचक, ठीक है,
तीसरा होता है हमारे लिए रीति वाचक, ठीक है, और एक चौथा होता है हमारे लिए परिमाण वाचक, ठीक। यानी कि आपके एडवर्ब कितने टाइम के हो जाते हैं हमारे, चार प्रकार के, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर्स एंड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब तब जब कब सदा हमेशा नित्य प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण, इस समय उस समय, इस घड़ी उस घड़ी कहते हैं, पल पल क्षण क्षण कहते हैं, ये सभी हमारे लिए समय सूचक क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक है। अब अगर कहते हैं यहाँ वहां जहां तहां कहां, अंदर बाहर भीतर इधर उधर जिधर किधर, ठीक है, दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो वो स्थान बताने लगता है। अगर कहता है ऐसा वैसा जैसा तैसा कैसा, ध्यान से प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, है ना, ये सब हमारे लिए कार्य करने का तरीका ढंग कायदा बता के रीतिवाचक एडवर्ब ऑफ मैनर्स बन जाता है। अब कहता है इतना उतना जितना कितना थोड़ा कम ज्यादा लगभग, ये हमारे लिए परिमाण वाचक क्रिया विशेषण बन जाते हैं। इसी आधार पर अगर हम देखते हैं कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, तो रचना के आधार पर तीन प्रकार का, एक होता है हमारे लिए रूढ़, एक होता है हमारे लिए यौगिक क्रिया विशेषण, और एक होता है हमारे लिए आपका स्थानीय क्रिया विशेषण, ठीक है। और इस तरह रचना के आधार पर तीन प्रकार के क्रिया विशेषण हो जाते हैं। रूढ़ क्रिया विशेषण क्या, जो अपने मौलिक रूप में होता है, किसी प्रकार जिसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। दूसरा, आपके यौगिक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जब हम क्रिया विशेषण को निर्मित करते हैं, जब हम उसमें दो शब्दों को मिला देते हैं, तो यौगिक क्रिया विशेषण बन जाता है। कभी कभी संज्ञा और विशेषण के शब्द को क्रिया से पहले रख दिया जाता है और एक स्थान दे दिया जाता है, तो स्थानीय क्रिया विशेषण बन जाता है। यही क्रिया विशेषण प्रयोग के आधार पर भी हो जाते हैं। जब इसी क्रिया विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार का हो जाता है। एक तो हो जाता है साधारण रूप से, जब वो क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग करता है, तो साधारण क्रिया विशेषण होता है। किसी निश्चित नियम के लिए, किसी निश्चित नियम के लिए अगर उसको बांध देता है, तो अनुबद्ध क्रिया विशेषण बन जाता है, ठीक है। और जब एक मिश्र वाक्य को या संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए क्रिया विशेषण के प्रयोग किए जाते हैं, तब वो हमारे लिए संयोजक क्रिया विशेषण बन जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अर्थ के आधार पर चार प्रकार के क्रिया विशेषण हो जाते हैं, रचना के आधार पर तीन प्रकार का क्रिया विशेषण हो जाता है, और प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार के क्रिया विशेषण जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी में से आपने क्या देखा कि प्रश्न पूछ रहा है, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिवर्ष कहता है, हर बार कहता है, पल पल क्षण क्षण कहता है, दिन भर रात भर कहता है, साथ ही अब तब जब कब सदा हमेशा नित्य लगातार कहता है, ठीक है ना। इसी तरह देखा जाए तो सब हमारे लिए समय है। अब यहाँ देखिए कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि समय सूचक क्रिया विशेषण है, यानी कि यह हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी का आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या आया इसका, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर। अब आते हैं आगे। अफसोस, मैं नहीं जा सकता, रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। अब यह अफसोस कह रहा है, क्या यह संबोधन सूचक अव्यय है, क्या शोक सूचक अव्यय है, कि आश्चर्य सूचक अव्यय है, कि हर्ष सूचक अव्यय है। अब यह है हमारे लिए विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक मतलब कि वक्ता की मनः स्थिति, मनोभावों का जहां बोध हो, तो वाक्य में वक्ता की मनः स्थिति, मनोभावों का जहां बोध होता है, उसे विस्मय सूचक अव्यय के नाम से पुकारा जाता है। तो जहां विस्मय, वक्ता के विस्मय, हर्ष, दया, घृणा, शोक, चेतावनी, कृतज्ञता, आभार, अभिनंदन, है ना, ये सारे मनोभावों को जहां प्रदर्शित किया जाता है, उसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है, ठीक है। अब विस्मयादि बोधक के अंतर्गत मनोभाव में सारे प्रकार के भाव जो है वो बताए जाते हैं। अफसोस ये शब्द किस प्रकार का है, क्या ये संबोधन है, नहीं, संबोधन में तो अजी, ओ, सुनो, है ना, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। आश्चर्य में अगर हम देखें तो हैं, ऐ, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। हर्ष में वाह, क्या खूब, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन अफसोस हम कब करते हैं, जब हमें कोई शोक होता है, है ना।
तो अफसोस मैं नहीं जा सका, इसमें आपका अफसोस शब्द है जो शोक सूचक अव्यय के नाम से पुकारा जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में खालिस्थान अव्यय पद है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, इसमें कौन सा शब्द अव्यय शब्द है? क्या वह हमेशा अपने या गीत? देखा जाए तो वह जो है सर्वनामिक शब्द है बेटा, अपने जो कह रहा है सर्वनामिक शब्द है, गीत कह रहा है वो क्रिया है। लेकिन अगर हम देखें तो हमेशा शब्द है जिसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए हमेशा इसमें विकारी शब्द की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। अब दिन भर कह रहा है, ठीक है, तो क्या ये परिमाणवाचक है? परिमाण का मतलब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इतना उतना जितना कितना, थोड़ा कम लगभग अधिक ज्यादा अधिकतर न्यूनतर कमतर, है ना, तकरीबन कहता है, ये सारे शब्द हैं जो थोड़ा जरा कहता है, काफी कहता है, अधिक कहता है, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाता है, यानी कि हमारे लिए परिमाण है, जहां नाप तौल मात्रा है। दूसरा, निपात क्या होते हैं? निपात को हम इम्फेसाइजिंग कहते हैं, जो वाक्य में विशेष प्रकार का बल लगाने के लिए कहीं भी रख दिया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं, जिससे उस शब्द पर और उस वाक्य पर विशेष प्रकार का बल पड़ता है। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? इसे हम कंजक्शन वर्ड्स कहते हैं, यानी कि दो शब्द पदों को या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं उसे समुच्चय बोधक या कंजक्शन वर्ड्स या संयोजक के नाम से पुकारा जाता है। और प्रश्नवाचक क्या होते हैं? जब किसी वाक्य में प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो तो प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। अब कह रहा है पढ़ता है, पर कब पढ़ता है? दिन भर पढ़ता है, लेकिन कब पढ़ता है? वो दिन भर पढ़ता है। तो यहाँ पर हमारे लिए अगर देखा जाए तो मात्रा बता रहा है, कितना पढ़ता है? दिन भर पढ़ता है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चूंकि ये हमारे लिए मात्रा बता रहा है कब तक पढ़ता है, दिन भर पढ़ता है। ठीक है ना, अब देखने वाली बात है कि परिमाणवाची तो आपने बताया, पर ये कहीं ना कहीं आपके क्रिया विशेषण में समय सूचक क्रिया विशेषण को भी संबोधित करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। वह काम नहीं करता, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। क्या वह काम नहीं या करता, इसमें से अव्यय शब्द कौन सा है? यहाँ पर एक है आपका नकारात्मक शब्द नहीं, ठीक है ना, तो नहीं, हाँ, ठीक, वास्तव, कदाचित, सरासर, है ना, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, यथाशक्ति, यथा भक्ति, ऐसा वैसा, जैसा तैसा, कैसा, है ना, ध्यान से, प्रेम पूर्वक कहता है, हौले हौले, धीरे धीरे कहता है, जरा जरा कहता है, तो सब कार्य करने का ढंग, तरीका, कायदा होता है। अगर हम स्वीकार कर रहे हैं तो हाँ, अगर नकारात्मक है तो नहीं। इसलिए वह काम नहीं करता, तो करना क्रिया है लेकिन उसे कार्य करने का तरीका है वो नहीं करता। यहाँ हमारे लिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर या किसे? अब देखा जाए तो आज है हमारे लिए एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समय सूचक क्रिया विशेषण। कल है हमारे लिए एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब समय सूचक क्रिया विशेषण। इधर है हमारे लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और किसे कह रहा है? ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, इसलिए कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, किसे, ये शब्द अव्यय नहीं है बल्कि प्रश्नवाचक सर्वनामिक शब्द है। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? क्या परिमाणवाचक है, क्या संबंधवाचक है, क्या संकेतवाचक है, क्या वह कारणवाचक अव्यय है? अब यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, ये प्रश्न आपको संयोजक शब्द से पूछा गया है। अब संयोजक शब्द क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि दो शब्द पदों को या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द पद को संयोजक शब्द पद या समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जब इस संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय की बात करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे लिए समानाधिकरण संयोजक, ठीक है, और एक होता है हमारे लिए व्यधिकरण संयोजक।
अब आप कहेंगे कि समानाधिकरण संयोजक और व्यधिकरण संयोजक क्या होते हैं। समान अधिकार और स्तर रखने वाले शब्द को जोड़ने वाले संयोजकों को हम समानाधिकरण संयोजक कहते हैं। जब मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का निर्माण करना हो तो शब्द पदों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले संयोजकों को हम व्यधिकरण संयोजक के नाम से पुकारते हैं। जब समानाधिकरण संयोजक की बात करें तो चार प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण संयोजक हैं जो चार प्रकार के होते हैं। एक तो केवल संयोजक होता है, एक विभाजक होता है, एक विरोध सूचक होता है और एक परिणाम सूचक होता है, ठीक है। और जब हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं तो व्यधिकरण के तौर पर कारण भी बताता है, निषेध भी बताता है, संकेत भी बताता है और परिमाण भी बताता है और केवल जोड़ने का काम करता है। तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है कह रहा है, तो कौन सा अव्यय है? परिमाण है क्या? परिणाम है क्या? नहीं। परिणाम का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य को कह रहे होते हैं और सब परिमाण हो, परिणाम हो कि वर्षा बंद हो गई अतः अब हमें चलना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि मोहन बहुत समय से बीमार था, फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। तो ये परिणाम बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। संबंध, संबंध में वो केवल एडिशन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मोहन कहता है कि वह जाना चाहता है, तो सेंटेंस को एडिशन का काम कर रहा है संबंध के तौर पर। संकेत, संकेत में क्या करता है? चाहे जो हो जाए मैं ये काम करूंगा, तो वो संकेत दे रहा होता है। लेकिन अगर कारण बता रहा है कि वह लाचार है, यही वजह है, इसी कारण से लाचार है क्योंकि वह कैसा है? अंधा है। यहां क्या आएगा आपका? कारणवाचक। अगले प्रश्न की ओर। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो जब हम संबंध सूचक अव्यय की बात करते हैं जिसे प्रीपोजिशन कहा जाता है, ये प्रीपोजिशन क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आकर दूसरे पदों से संबंध बताने वाले को संबंध बोधक अव्यय या प्रीपोजिशन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, जब तक कोई शब्द क्रिया से पहले आ रहा है, जब तक कोई शब्द क्रिया से पहले आ रहा है तो क्रिया के पहले आ रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान समझेगा कि जब तक कोई शब्द क्रिया के पहले आ रहा है तब तक वह क्रिया विशेषण का शब्द है, लेकिन अगर वही शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आ जाता है, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आ जाता है और दूसरे पदों से उसका संबंध बताने लगता है, तब यही क्रिया विशेषण का शब्द है जो हमारे लिए संबंध बोधक अव्यय बन जाते हैं। संबंध बोधक अव्यय रचना के आधार पर आपके दो प्रकार के हो जाते हैं, रूढ़ और यौगिक। अर्थ के आधार पर अगर देखा जाए तो ये अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हो जाते हैं? क्या 13, क्या 12, क्या 14, क्या 15 प्रकार? तो अर्थ के आधार पर अगर देखा जाए तो ये 14 टाइप के हो जाते हैं, मतलब कि 14 प्रकार से संबंध का नाम जो है वो प्रयोग करने लगते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो हमारे लिए स्थान, समय, दिशा, यहाँ तक कि हमारे लिए कार्य और कारण है, साथ ही उद्देश्य है, विषय है, व्यतिरेक है, विनिमय है, सादृश्यता है, विरोध है, साचर्य है, संग्रह है, तुलना है और कारण है। इस तरह 14 प्रकार से ये संबंध बोधक अव्यय प्रयोग होने लगते हैं। जैसे कि अब, तब, जब, कब कह रहा है तो समय सूचक क्रिया विशेषण है, लेकिन कहता है अब के पहले ऐसा नहीं था। इसी प्रकार यहाँ, वहां, जहां, तहां स्थान है, अगर कहते हैं वृक्ष के नीचे, डाल के ऊपर, तो ये स्थान बताने वाला हो गया। इसी प्रकार कहता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इसके जरिए, इसके माध्यम से, इसके बिना, इसके पर्यंत कहता है, इसके लगभग, इससे अधिक कहता है, इसके अतिरिक्त अगर कहता है, इसके साथ, इसके संग कहता है, इसके अनुसार कहता है, इसके सादृश्य कहता है, इसकी अपेक्षा, इसकी बनबिस्त कहता है, इसके लिए, इसके वास्ते कहता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संबंध बोधक
जो अव्यय हैं वो अर्थ के आधार पर 14 प्रकार के हो जाते हैं, रचना के आधार पर 2 प्रकार का है, रूढ़ और आपका यौगिक। रूढ़ क्या होगा? ऐसे संबंध बोधक जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि बिना, नाई, पर्यंत, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन कभी कभी अगर हम देखें तो 2 शब्द को मिलाकर यौगिक कर दिया जाएगा, यानी कि अगर हम कहते हैं इसके बदले, इसकी अपेक्षा, इसकी बदौलत, तो ये 2 शब्दों को जोड़ दिया तो हमारे लिए वो क्या बन जाएगा, आपका यौगिक हो जाएगा। और प्रयोग के आधार पर ये हमारे लिए 2 प्रकार के हो जाते हैं, सामान्य तौर पर केवल प्रयोग करता है तो संबंध के तौर पर काम करेगा, और एक निश्चित अवस्था बताने के लिए अनुबंध के तौर पर। ये सारी चीजें कंपटीशन कम्युनिटी के आप जो अभी लेक्चर वीडियो देख रहे हैं उसमें आप जो आई बटन क्लिक करेंगे तो इस लेक्चर का आपको वहां पर एक लिंक मिलेगा, जहां जाकर आप इस अव्यय शब्द से संबंधित जो 4 टॉपिक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मयादि बोधक, इसका लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। और जितनी भी चीजें मैं यहाँ वर्बली बताने की कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट तरीके से, वो बहुत अच्छे से वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर हूँ। अब देखिए, मैं कह रहा है तो ये हमारे लिए आपका प्रथम पुरुष है, यानी कि सर्वनामिक शब्द। होकर कह रहा है ये हमारे लिए आपका पूर्वकालिक क्रिया है। हूँ कह रहा है तो ये निपात शब्द है, लेकिन अगर वहां कहता है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि समय सूचक क्रिया विशेषण होकर अव्यय शब्द का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न, निम्न में अव्यय है, उत्तर, ठीक, जापान या कृष्णा। उत्तर तो दिशा है, जापान तो संज्ञा शब्द है, कृष्णा भी संज्ञा शब्द है, तो फिर अव्यय क्या है? ठीक, ठीक है ना। इस परिणाम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, सर्वदा, सर्वत्र, इतना या गलत। तो परिमाण का मतलब क्या होता है? माप, तौल या नाप संबंधी क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है ना। जहां क्रिया की विशेषता नाप, तौल, माप या मात्रा संबंधी बताता है, तब हमारे लिए क्रिया विशेषण में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बनता है। सर्वदा कह रहा है तो टाइम पीरियड है, हमेशा के लिए। सर्वत्र कह रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब कि हर जगह कह रहा है। गलत कह रहा है तो कार्य करने का तरीका है, तो रीतिवाचक है। लेकिन इतना, उतना, जितना, कितना, थोड़ा, कम, लगभग, ज्यादा, ये सारे शब्द हमारे लिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बनाते हैं। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? क्या कटोरा है, क्या दूध है, भर है या पिया है? कटोरा तो पात्र है, ठीक है, दूध हमारे लिए, कटोरा कह रहा है तो पात्र है, दूध कह रहा है तो हमारे लिए पदार्थवाचक संज्ञा है, और पिया कह रहा है तो क्रिया है, तो फिर भर यानी कि अगर देखा जाए तो एक अव्यय शब्द है, है ना। अगर कहता है दिन भर, रात भर, पल भर, क्षण भर कह रहा है, यह एक निपात शब्द है। और निपात शब्द को भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं? एक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो निपात क्या होता है? इम्फेसाइजिंग, यानी कि वाक्य में आवश्यकता के अनुसार जिसे कहीं भी रख दिया जाता है उसे हम निपात शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये निपात शब्द में अलग अलग प्रभाव के पक्ष देखने को मिलते हैं, अवधारणा है यहाँ पर, आपके नकारात्मकता है, बल प्रदाय करता है, हर प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय है कि क्रिया विशेषण अव्यय है कि समुच्चय बोधक अव्यय है कि विस्मयादि बोधक? अब देखिए हम पहचानेंगे कैसे कि वो क्या है। संबंध बोधक का मतलब होता है कि संज्ञा या सर्वनामिक शब्द के तुरंत बाद आता है और दूसरे पदों से उसका संबंध बताता है। तो राम का, मोहन का, वृक्ष के कहते, तो संज्ञा शब्द के बाद में हम का, के, की जैसा एक संबोधन वाले आपके शब्द को वहां पर लगाते हैं, यानी कि संबंध बताने वाले पक्ष को लगाते हैं। अगर यही सर्वनामिक शब्द तो इसका, इसकी, मेरा, मेरे, हमारा कहते हैं तो संबंध बोधक के तौर पर प्रयोग होने लगता है। लेकिन क्या राम धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है? धीरे धीरे, ठीक है। तो यह हमारे लिए क्या है? आपका एक क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने वाला पक्ष है। इसमें राम धीरे धीरे पढ़ता है में क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित
अव्यय शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किस भेद का उदाहरण है? क्या समुच्चय बोधक है, क्या क्रिया विशेषण है, कि संबंध बोधक है, कि विस्मयादि बोधक है? तो जब दो शब्द पदों को और वाक्यांशों को जोड़ रहा है तो उसे हम समुच्चय बोधक या संयोजक कहेंगे। तो यहाँ पर आपके सेंटेंस को एडिशन का काम नहीं है। क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है, न ही इसमें किसी प्रकार का विस्मय बताया जा रहा है, मतलब कि संबंध बोधक। अब मैंने आपको बताया कि संबंध बोधक जो है वो दो प्रकार के हैं, एक तो रूढ़ होता है और एक यौगिक होता है। रूढ़ का मतलब क्या होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, जहां हम चीजों को क्या करते हैं, आपके जिस रूप में है उसी रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यौगिक में क्या होता है, यौगिक में हम संज्ञा और सर्वनामिक शब्द के तुरंत बाद में कुछ संबंध शब्द को सूचित करते हैं, जैसे इसके पहले, इसके बाद, इसकी अपेक्षा, उसी प्रकार राम के आगे, मोहन के बिना, हवा के बिना, जल के बिना, ऐसे शब्द का प्रयोग यौगिक करते हैं। लेकिन हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो प्रयोग करते समय हम केवल संबंध के तौर पर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि वृक्ष के नीचे, डाल के ऊपर, है ना, जल का स्तर, यह केवल संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। कभी कभी हम उसका विकार उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि उसको संज्ञा के शब्द को विकृत कर दे, मित्र के साथ ना कहकर मित्रों सहित, सखी के साथ ना कहकर सखियों सहित, ठीक है ना। इसी प्रकार देखा जाए तो पुत्रों समेत, गांव तक अगर कह रहे हैं तो यहाँ पर संबंध बोधक का इस्तेमाल, सखियों के साथ ना कहकर एक विकार उत्पन्न कर दिया और सीता सखियों सहित पुष्प वाटी गई कहीं कह रहे हैं, तो एक संबंध बोधक का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। अगला, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए, स्वास्थ्य के लिए कह रहा है, क्या संबंध सूचक अव्यय है, क्या विशेषण है, कि भाववाचक संज्ञा है, कि समुच्चय बोधक अव्यय है। अब देखिए किसके लिए कह रहा है, स्वास्थ्य के लिए कह रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए कह रहा है मतलब किसके लिए संबंध बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, संबंध बोधक। अब रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है कह रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक कौन सा है, उनके बिना तुम कुछ। अब संबंध बोधक कह रहा है तो संबंध बोधक क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आके, संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आके दूसरे पदों से बताए तो उसके बिना कह रहा है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, अर्थात अतएव, अथर्वा या आजन्म, ठीक है। अब देखिए कि समुच्चय बोधक अव्यय में मैंने आपको बताया कि समानाधिकरण और व्यधिकरण है, समानाधिकरण के चार हैं, ठीक है। उन्हीं में से अगर देखने वाली बात है तो देखा जाए तो अर्थात कह रहा है कि परिणाम बता रहा है, अतएव कह रहा है तो परिणाम बता रहा है, अथवा कह रहा है तो विकल्प बता रहा है, लेकिन आजन्म कह रहा है कि यह संबंध बोधक है। आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर अब तक, तो जन्म से अब तक के संबंध को बता रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय शब्द आजन्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, क्या यह संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या अव्यय शब्द है। अथवा शब्द का प्रयोग एज अ कंजक्शन हमारे द्वारा यूज किया जाता है, तो जब दो शब्द पद को जोड़ रहे हैं, जैसे कि मोहन अथवा सोहन, मोहन तथा सोहन, मोहन और सोहन, माता एवं पिता, लाभ तथा हानि, तो ऐसे शब्द में जब जोड़ने का काम कर रहा है तो मोहन अथवा सोहन कह रहा है, या कह सकते हैं हम मेहनत करते हैं अथवा हम मेहनत नहीं करते, कि कंजक्शन वर्ड्स का काम कर रहा है, इसलिए अव्यय शब्द की श्रेणी में आएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए, क्या ये क्रिया विशेषण है, क्या ये अव्यय है, क्या ये सर्वनाम का शब्द है, या ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देखा जाए तो बात करने की मात्रा बता रहा है तो यह क्रिया विशेषण का शब्द है, कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चूंकि क्रिया विशेषण को ही अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है, इस ऑप्शन नंबर बी हो गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह एग्जाम्पल एडवर्ब का है और एडवर्ब को भी हम इनडेक्लिनेबल वर्ड्स के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में अव्यय है, भारत, श्याम, आह या दक्षिण। भारत कहा जाए तो संज्ञा शब्द है, श्याम कहा जाए तो संज्ञा शब्द है,
दक्षिण कहा जाए तो भी एक दिशा का नाम लेकर संज्ञा शब्द है, लेकिन अगर वो आह कह रहा है तो ये हमारे लिए एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसलिए निम्न में से ऑप्शन नंबर सी है जो हमारे लिए एक अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन, जिन अव्यय का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि मनोभावों से होता है वे होते हैं, क्या विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, क्या संबंध बोधक अव्यय होते हैं, क्या क्रिया विशेषण होते हैं, कि समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे शब्द जो वक्ता के हर्ष दया घृणा चेतावनी कृतज्ञता आभार है ना, इन सारे मनोभावों को विस्मयों का बोध कराता है, उसे हम इंट्रोजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय के नाम से पुकारते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आकर दूसरे पदों से संबंध बताता है तो संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। क्रिया की विशेषता बताने को क्रिया विशेषण कहा जाता है और शब्द पद या वाक्यांशों को जोड़ने वाले को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और ये चार हमारे लिए अव्यय शब्द के भेद हैं, इन्हें ही हम एक अविकारी शब्द पद कहते हैं और इसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, इनडिक्लिनेबल वर्ड्स कहते हैं। क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेद से असंगत है, क्रिया विशेषण विसर्ग बोधक अव्यय संबंध बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय, तो कौन सा है जो अव्यय की कैटेगरी में नहीं आता। लास्ट पेज में देखिए कि अव्यय की कैटेगरी में चार होते हैं, सबसे पहला होता है एडवर्ब जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, दूसरा होता है प्रीपोजिशन जिसे संबंध बोधक कहते हैं, तीसरा होता है समुच्चय बोधक जिसे कंजक्शन वर्ड्स कहते हैं, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक जिसे इंट्रोजेक्शन कहा जाता है। तो चार प्रकार का डेक्लिनेबल वर्ड्स होता है, संज्ञा एज अ नाउन, सर्वनाम एज अ प्रोनाउन, एडजेक्टिव एज अ विशेषण और वर्ब यानी कि क्रिया। और उसी प्रकार चार प्रकार के आपके अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, तो विसर्ग बोधक अव्यय नहीं होता है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर। इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं, क्या ये स्थितिवाचक है, क्या ये कालवाचक है, क्या ये स्थानवाचक है, क्या ये दिशावाचक है। अब देखने वाली बात है कि ऐसा वैसा जैसा तैसा, ये रीति ढंग कायदा है, वैसे ही यहाँ वहां जहां तहां कहां इधर उधर जिधर किधर, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे लिए क्रिया विशेषणों में भी अगर हम देखें तो हमारे लिए स्थिति भी होती है, काल भी होता है, स्थान भी होता है, दिशा भी होता है। तो अगर हम इधर उधर जिधर किधर कहते हैं है ना, तो इधर उधर जिधर किधर कहते हैं तो सब हमारे लिए आपके दिशा का बोधक होता है, ठीक है ना। इधर उधर जिधर किधर कहता है ये सब हमारे लिए स्थान की स्थिति और दिशा का बोध जो है वो करवाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका निपात और पदबंध से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि निपात और पदबंध क्या होते, तो ध्यान से समझिएगा, जो वाक्य में कहीं भी गिर पड़े उसे निपात कहा जाता है। वाक्य में विशेष प्रकार का बल प्रदान करने के लिए शब्द को कहीं भी रख दिया जाए तो उसे निपात कहा जाता है। ये निपात शब्द अव्यय की तरह ही होते हैं, इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन वाक्य में या शब्द पर जहां इसे रखा जाता है उस समय इस पर विशेष प्रकार का बल जो है वो पड़ने लगता है, इसलिए इसे निपात शब्द कहा जाता है। पदबंध क्या होते हैं, जब वाक्य में एक से अधिक शब्द पद मिलकर संपूर्ण शब्द एक व्याकरणिक इकाई का काम करने लगते हैं तो उसे पदबंध कहा जाता है। तो ध्यान से समझेंगे, पदबंध को पदन्वय भी कहते हैं, पद निर्णय भी कहते हैं, पद विन्यास भी कहते हैं, पद छेद भी कहा जाता है, पद परिचय भी कहा जाता है। कि जब वाक्य में, जब किसी वाक्य में एक से अधिक शब्द पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करने लगते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को ही पदबंध कहा जाता है। ये अकेला नहीं होता, एक से ज्यादा शब्द पद होते हैं, पद समूह एक भाषिक रूप से प्रयोग करता है, एक यूनिट की तरह काम करने लगते हैं, हर पद कोई ना कोई पद की व्याख्या जरूर कर रहा होता है। यानी कि जब किसी शब्द में संज्ञा पद का शीर्ष और संज्ञा पद का अंत संज्ञा से जुड़ा होता है तो संज्ञा पदबंध होता है, जब सर्वनामिक शब्द पदों का प्रयोग वाक्य में बंधा होता है तो सर्वनामिक पदबंध होता है, क्रिया से बंधे होते हैं तो क्रिया पदबंध होता है, उसी प्रकार अगर वो विशेषण से बंधे होते हैं तो विशेषण पदबंध का प्रयोग जो है वो किया जाता है, और कभी कभी अव्यय शब्द भी बंधे होते हैं तो अव्यय पदबंध होता है। तो इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को अब हम यहाँ पर हल करेंगे।
राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, प्रस्तुत वाक्य में पदबंध है। तो ध्यान से समझिएगा, क्या यहाँ संज्ञा पदबंध है कि क्रिया विशेषण है कि सर्वनाम है कि विशेषण पदबंध है। जब किसी वाक्य का प्रथम शब्द और अंतिम शब्द पद संज्ञा हो और संपूर्ण पद किसी संज्ञा के पदों से जुड़ा होता है तो ऐसे पदबंध को संज्ञा पदबंध कहा जाता है। अब राम भी संज्ञा शब्द है, लंका भी संज्ञा शब्द है, राजा भी संज्ञा शब्द है और रावण भी संज्ञा शब्द है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब किसी शब्द का प्रथम और अंतिम शब्द संज्ञा के अनुसार जुड़ा हुआ हो और पूरा वाक्य उस संज्ञा पर निर्भर हो तो संज्ञा पदबंध का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। इसी प्रकार क्रिया विशेषण क्या होगा, जब किसी शब्द पद में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द पदों का प्रयोग बंधन के तौर पर होगा तो क्रिया पद विशेषण होगा। सर्वनामिक शब्द अगर बंधा होगा तो सर्वनामिक पद बंध होगा और विशेषण बंधा होगा तो विशेषण पद बंध होंगे। ठीक है। तो अगर संज्ञा पदबंध कह रहा है कि आसमान से उड़ता गुब्बारा फट गया, सर्वनामिक में कहा था कि आपने ही तो मुझसे कहा था, विशेषण में कहता है कि उसका घोड़ा फुर्तीला और बलवान है कहता है, इसी प्रकार अगर कहता है एग्जाम्पल के तौर पर कह सकता है जैसे कि मोहन छत से दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार कह सकता है उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला, तो इस तरह आपके पदबंध के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, क्या वो वाक्य है, क्या वो वाक्यांश है, क्या पदबंध है, बी और सी दोनों। तो ध्यान समझेंगे, जब कई या जब किसी वाक्य में एक या उससे अधिक शब्द पद हैं जो संपूर्ण शब्द पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उसे हम पदबंध कहते हैं, और चूंकि वही एक वाक्य का अंश होता है इसलिए वाक्यांश कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि पदबंध के कितने भेद होते हैं, 4, 5, 6 या 7। देखा जाए तो पदबंध मुख्य तौर पर 4 प्रकार का होता है, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। लेकिन इसके अलावा हम एक अव्यय शब्द का प्रयोग भी एज अ क्रिया विशेषण या अव्यय के तौर पर भी पदबंध के रूप में करते हैं। तो कुल मिलाकर पदबंध के कितने भेद हो जाते हैं, 5। एक तो संज्ञा के रूप से जुड़ा है तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम के तौर पर जुड़ा है तो सर्वनाम पदबंध, विशेषण के तौर पर जुड़ा है तो विशेषण पदबंध होता है, और इसी प्रकार क्रिया के अनुसार जुड़ी है तो क्रिया पदबंध होता है। इन सब के अलावा हम एक अव्यय शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम क्रिया विशेषण का भी प्रयोग जो है वो करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 के साथ में 1 मिलाकर 5 प्रकार के पदबंध जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। अगला, बरगद और पीपल के घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला वाक्य में पदबंध है, क्या यह संज्ञा पदबंध है, क्या सर्वनामिक पदबंध है, क्रिया आपका क्या यह संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण है या क्रिया है। तो क्या कह रहा है, बरगद और पीपल की घनी छांव, बरगद और पीपल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, विशेषण पदबंध होगा। तो जहां पर किसी भी वाक्य में पहला शब्द पद संज्ञा और अंतिम शब्द पद संज्ञा है और पूरा वाक्य संज्ञा पर आधारित है जो पदों से बंध है तो संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनामिक शब्द से बंधे होंगे तो सर्वनामिक पदबंध होगा, क्रिया से बंधे होंगे तो क्रिया पदबंध होगा, वैसे ही विशेषण से बंधा है यानी कि बरगद और पीपल की घनी छांव कह रहा है, ठीक है, उसे बहुत सुख मिलता है कह रहा है, तो विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण पदबंध की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिया पदबंध वाला वाक्य पहचानिए, अब दरवाजा खोला जा सकता है, मोहन छत से दिखाई दे रहा है, वह बाजार की ओर आया होगा या सभी। मैंने बताया कि क्रिया के साथ में यानी कि पहली बात कि जहां किसी वाक्य का पहला शब्द पद जो होगा और अंतिम शब्द पद क्रिया पर आधारित होगा तो वहां क्रिया पद बंध होंगे। अब दरवाजा को खोला जा सकता है, छत से दिखाई दे रहा है, बाजार की ओर आया होगा कह रहे हैं, मतलब कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग जो है वो पदों को बांधने के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष पद यदि संज्ञा हो, अन्य सभी उस पर आश्रित होंगे तो वह कौन सा पदबंध होगा, क्या सर्वनाम पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध होगा, विशेषण होगा कि क्रिया। तो मैंने अभी बताया कि वो संज्ञा पदबंध होगा। जो कहीं भी गिर पड़े, इस अर्थ का द्योतक क्या है, क्या उसे वाक्य कहते हैं, क्या उसे व्यक्ति कहते हैं, क्या उसे चरित्र कहा जाता है या निपात। व्याकरण की दृष्टि से
जो वाक्य में शब्द या किसी भी वाक्य में कहीं भी आवश्यकता के अनुसार रख दिया जाता है उसे निपात शब्द कहा जाता है। और इस निपात की यदि हम बात करते हैं तो ये निपात जो होते हैं वो विशेष तौर पर होते हैं, कभी स्वीकृति बोधक होते हैं, कभी अवधारणा बोधक होते हैं, कभी बल प्रदाय होते हैं, कभी हमारे लिए प्रश्न बोधक, कभी विस्मयादि बोधक, कभी तुलना बोधक, तो कभी आदर बोधक, कभी अवधारणा बोधक जो है वो होते हैं। इसलिए जो वाक्य में कहीं भी गिर पड़े, जो शब्द में कहीं भी आवश्यकता के अनुसार रख दिया जाए उसे निपात कहा जाता है। वाक्य में भाव के अनुसार जिसे कहीं भी रख दिया जाए, जिससे वाक्य में शब्द पर अलग अलग प्रकार का बल पड़ने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्या वो विराम चिन्ह है, क्या निपात है, क्या वाच्य है कि अनुतान है, तो उसे निपात कहा जाता है। विराम चिन्ह क्या होते हैं? वक्ता को बोलते समय और लेखक को लिखते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना, ठहरना, विश्राम करना होता है उसे विराम कहा जाता है। और कहते समय किसी प्रकार के सांकेतिक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती, मनोभाव काफी होते हैं, लेकिन लिखते समय एक विशेष प्रकार के चिन्ह की आवश्यकता होती है, उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। दूसरी बात, वाच्य क्या होते हैं? क्रिया के मुख्य विषय का बोध कराने वाला। क्या ये क्रिया कर्ता प्रधारित है, क्या ये कर्म पर आधारित है, क्या ये भाव पर आधारित है, उसे वाच्य कहा जाता है। और अनुतान क्या होते हैं? वाक्य में आवश्यकता के अनुसार जो तान बल लय लगाया जाता है, तो जहां पर आश्चर्य है, प्रश्न है, जहां नकारात्मक प्रभाव है, तो जहां पर शब्द पर विशेष प्रकार का, कभी वाक्य पर विशेष प्रकार का बल लगाया जाता है उसे हम अनुतान के नाम से पुकारते हैं। तो जहां वाक्य में कहीं भी गिर रख दिया जाता है उसे निपात कहा जाता है। अगला है, निम्न में से निपात शब्द नहीं है, भर, तक, तकरीबन या वाह। तो निपात शब्द नहीं है कह रहा है, कौन सा शब्द है जो निपात शब्द नहीं है कह रहा है, तो इसमें हम भर, तक, तकरीबन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाह का प्रयोग जो है वो विस्मय के तौर पर किया जाता है। तो निपात शब्द मैंने बताया कि यदि वो ही, भी, तक, भर कह रहा है, ठीक है, तो ये मात्र कह रहा है, ये सब हमारे लिए निपात के तौर पर प्रयोग होते हैं। स्वीकृति है, नकारात्मक है, अवधारणा है, प्रश्न है, विस्मय है, इसी प्रकार आदर है, तो इसके प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बल प्रदायक निपात शब्द है तो ही, भर या सभी? तो सभी। तो बल प्रदान करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ही, भी, तो, तक, भर, इन सारे शब्दों का, जीवन भर, मैं भी तो, है ना, इसी प्रकार देखा जाए तो हम देखें तो सभी का प्रयोग है, यहाँ तक, वहां तक कह रहा है, तो सब हमारे लिए निपात में बल प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो आज के लेक्चर वीडियो के माध्यम से 37 क्वेश्चंस में मैंने आपको पूरी तरह से निपात, पदबंध और क्रिया विशेषण के पक्षों को पूरा कराने की कोशिश की है। अगला आएगा आपका पार्ट 2 अव्यय से संबंधित प्रश्न, उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्नों को हम वहां पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर वीडियो में केवल इतना ही। अव्यय भाग 1 के अंतर्गत मैंने 4 प्रकार के अव्यय या अविकारी शब्दों के साथ में निपात और पदबंध को भी एक्सप्लेन किया है। आने वाले लेक्चर में इनसे संबंधित चीजों को हम और जानेंगे। और जो आज आप पढ़ रहे हैं तो आई बटन को क्लिक करेंगे, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में यदि आप जाते हैं तो ये अव्यय या अविकारी शब्द पद का पूरा डिटेल वीडियो आपको कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की उस साइट में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें मेरे साथ। अब तक जुड़े रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, हमेशा के लिए थैंक यू सो मच, लव यू और गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।